यार हमने ऐसे भी देखे हैं हालात, पहली रात ही दुल्हन को तलाक हो जाता है, दिन के से रोला रहे तो हो गया तो मायने को दफनाऊंगी, पहला रिश्ता दे दिया शादी हो गई, बड़ा होन मायने रहा दे मायने। व्लॉग हमारा जो स्टार्ट हो चुका है और वो भी रात वाला शाम वाला जो है ना, वो ऑलरेडी आपने देख लिया था, और रात वाला व्लॉग है। और रोज अकेले तकिया होती थी, बर्तन धोती थी, आज है ना उसका हाथ बटा रही है कौसर, क्योंकि उसको अपने काम की जल्दी पड़ी हुई है, इसलिए बोला ये मुझे दिखाओ, मैं अपना काम समय पर तकिया चाहे अशा तक भी बैठी रहे। ओ भाई तकिया वो देखो, वो अपने थाल लेके जा रही है। चले अब मैं नहीं बोलूँगा, आप कौसर बोलेगी। देखें लेके जा रही हूँ पानी लेके, तो वो कमरे में ढूंढ रही थी तो कमरे में मिले नहीं है, तो देखा वो बाहर रखे हुए थे। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो, स्वागत करते हैं आप सब, कैसे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो साकिब की जो है तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी सुबह भी दवाई लेके आए हैं, और अभी और कोई भी चीज़ नहीं खाता, सिर्फ दूध। ओनली दूध? हाँ जी। चलो उसकी तबीयत ठीक होगी तो इंशाल्लाह सब कुछ खाएगा। इंशाल्लाह कल जो है ना उसका बुखार उतर गया था, हम समझे कि शायद अब बीमारी जो है ना दूर आ चुकी है, हम इंजेक्शन लगवाने जो है नहीं गए। आज जो है ना कल रात को फिर से उसको बुखार आने लगा। सुबह जब गए डॉक्टर के पास चेक कराया तो उसने बोला बुखार तो है नहीं, हमने कहा ऐसे इंजेक्शन ठोक दो, इसका पता नहीं चलता। रात को वाला जब आया था ना बुखार, देखो कैसे चीख रहा था और उसका चेहरा लाल लाल था, वो जो रखी थी ना बुखार वाला शरबत वो पिलाया। हाँ जी अल्लाह खैर करे, बाकी ये बुखार छोड़ जाए तो वो खुद ही सेहतमंद हो जाएगा, खाने पीने भी लगेगा जैसे पहले खाता था ना, रोटी चावल वगैरह। हाँ जी हर चीज़ खाएगा तो अभी ना वो बीमारी की वजह से कुछ भी नहीं खा रहा। अभी मैं आटा गूंदने जा रही हूँ, किया जो बर्तन धो रही है दोपहर को, जो हमने नानी जान ने बोला है कि जर्दा बना है, पता नहीं अम्मी ने बोला है कि जर्दा बनाया है, मुझे पूरा पता नहीं है। और एक बात जो है ना, कंडीशन हमारी बहुत ही ख़राब होते जा रही है, घर के हालात जो है ना माड़े हैं, और मैं आपको इस बात के मुताबिक जो है ना कुछ आगाह करता चलो। अबू जान के पास जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए पैसे, जेब खाली हो गई उनकी, आज जो है ना इतनी नौबत आ गई ना, गंदम बेचने की भी नौबत आ गई। उन्होंने बोला कि गंदम बेच के ना आज मैं राशन लूँगा। इस बात पे थोड़ी बहस चली और थोड़ा बहुत तकरार भी हुआ, लेकिन गंदम जो है ना वैसे भी बेच दिया अबू ने, एक बोरा आज बेचा है, बोलते अगर कल भी पैसे ना हुए तो गंदम बेच के ना। उधार जो है ना वो बहुत हो चुका है, दुकान वाले जो है वो पहले कहते हैं पैसे हमारे लौटाओ, बाद में जो हम मजीद उधार देंगे। हाँ जी। अभी वो खाता भी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन जो है ना अबू ने आज गंदम का बोरा उठा के ना दे दिया, किसी को बेच दिया, राशन ले आया आज की सब्जी। हालात जो है ना बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं घर के, पेमेंट जो है ना वो कहीं से भी नहीं आ रही, ना यूट्यूब से ना टिकटॉक से ना किसी चीज़ से भी नहीं। हाँ वो एक बड़ोला दो बड़ोला थे, एक बड़ोला जो है वो ख़त्म हो चुका है, दूसरा बड़ोला जो है वो आधे से भी कम था, उससे भी आज बेचना स्टार्ट कर दिया, छः माह अभी पड़े हैं गंदम को आने में। हाँ जी। तो वो मैं सोच रहा हूँ कैसे गुजारा करेंगे, मैंने बहुत खूब रोका के गंदम ना बेचे, नुकसान है। चलो और भी कुछ ना हो या सूखी रोटी बना के खा सकेंगे, मिर्चे ना हो नमक ना हो गंदम तो हो। कहते हैं जी नहीं मैं आटा भी उधार ले आऊँगा ये बेचने में, मैंने कहा ऐसे नहीं होता, अल्लाह पाक खैर करेगा कहीं ना कहीं से, इंशाल्लाह अल्लाह पाक रास्ता बना देगा। रोजे देने वाला जो है वो वही है, अल्लाह पाक की जात है जी। तो आज का जार समझो ना वो हम गंदम बेच के ले आए, इतने हालात ढोने की परेशानी बढ़ती जा रही है, ऊपर से शादी और मेरे पास जो भी जमा पूंजी थे कल मैं शॉपिंग करके ले आया सारी। क्या कह सकते हैं, शादी भी आ रही है, उधर भी रिश्तेदार हैं तो जाना पड़ेगा, ना जाएँ तो नाराज़ हो जाएंगे, सबके मूड जो है ना ऑफ हो जाएंगे। हाँ हमसायों की खुशियाँ रिश्तेदारों की तो जाना पड़ता है। हाँ जी। और किराया खर्चे जो है ना वो हमारे पास बिल्कुल है नहीं, ख़त्म। अल्लाह मेहरबानी करे जो हम तो परेशानियाँ बताते हैं, दुख सुख में जो है ना सब बहन भाई भी शरीक हैं, खुशी भी ले आते हैं उनके लिए और गम भी आ जाता है बीच में जी। हमारा कसूर नहीं है, बाकी अल्लाह पाक के साथ इंशाल्लाह।
आप जाए आटा गूने इंशाल्लाह, फिर मुझे एक बात अच्छी थे तो होते रहेंगे। अकिया खेल रही हो, मुझे ऐसे हवा आई है कि अकिया हंस रही है। इधर देखो, देखो तो सही। ओ भाई ओ हंस रही है, चलो हंसते रहो। अम्मे जान भी बैठी हैं, भाभी सोबिया भी बैठी हैं, यहाँ पर सब्जी काटे जा रही है। आज भी ले आए हैं कद्दू। सियाना भी बैठी है जो पप्पिया की शौकीन है, पप्पा भी खा रहे हैं। नानी जान भी हैं उसके साथ, अब्बू जान भी प्लेट लेके बैठे हैं। अभी उनको दिए क्यों? सुबह नहीं थे वो घर? अच्छा, तो एक दो अहम सवाल लेके मैं आया हूँ जो कि मुझे अभी अभी कानों में खबर पहुँची है। बिल्कुल अहम सवाल है, वो जो है ना आपसे जवाब मिल सकता है, और नानी जान अब्बू जान से भी उसका हाल हवाल ले सकता हूँ। तो जैसे मुनासिब समझे, चलो मैं अब्बू से ही पूछ लेता हूँ कि आखिर बात क्या है। दो अहम सवाल हैं जो, एक पहले अपने घर का जो है ना वो मसला पहले आपसे पूछ लूँ भी, क्या मसला है कि आप गंदम बेच के आज सब्जी वगैरह राशन ये भी पहले। हर बंदा ही मेरे पर आता है गंदम गंदम गंदम। यार मैंने कोई गुनाह किया है? कोई गलती कर ली मैंने? नहीं, गुनाह नहीं किया, मैं वैसे पूछ रहा था भी क्या कंडीशन है। यार हालात ये हैं कि गंदम बेचनी पड़ी राशन के। अच्छा, क्योंकि हमने खाता लगाया उस दुकान पे, उनसे बातचीत हुई थी कि हर महीने जब महीना ख़त्म होगा तो आपको पैसे दे। अच्छा, 15 तारीख को महीना ख़त्म हुआ, 15 तारीख को हम पैसे नहीं दे सके, हमारे पास नहीं हुए। फिर 16 गई, 17 आ गई। आज मैंने भेजा हसीब को, मैंने कहा जाओ राशन ले जाओ, वो गया तो उन्होंने दिया ही नहीं, खाली भेज दिया। जब और कोई रास्ता नहीं मिला, घर में खाने के लिए बच्चे ऐसे बैठे रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। आज तक ज़िंदगी में मेरा कोई ऐसा दिन नहीं आया कि बच्चे बग़ैर सालों पकाए बैठे। तो आज मुझे बहुत टेंशन हुई, इसीलिए मैंने सोच सोच के यही रिजल्ट निकला के गंदम अभी तो है, चलो एक मन गंदम बेच देते हैं, राशन ले लेते हैं, उसके बाद अल्लाह मालिक का फिर देखेंगे, इसीलिए गंदम बेच दी। चले वो आप तो घर के बड़े हैं, हम क्या कह सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे बेहतर लगे वो करें, आगे भी अल्लाह पाक वसीला बना देता है। लेकिन ये जो अभी फिलहाल वक्त चल रहा है ना, इसको भी देखना है ना। मुस्तकबिल के बारे में ना सोचो, अभी जो हाल चल रहा है उसको देखना। अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह पाक आगे भी अल्लाह पाक ख्याल करेगा इंशाल्लाह। गंदम भी आ जाएगी, आटा भी, और वो राशन के भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ वसीला बन जाएगा। अभी ये ना कि हम सालन बनाए बगैर आज सूखी रोटी तो नहीं खा सकता इंसान। सही बात। तो चलो अच्छी बात है, जैसे आपको मुनासिब लगा आपने किया। बाकी दूसरा अहम सवाल ये है कि आज मैंने सुना है वो मामू अहमद वालों के जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्या मसला है उनका? कभी कहता है दूसरी शादी कर ली, खुशी की बात है, कभी जो ना उसको नहीं रखता, कभी दूसरी बीवी नहीं रहते ना इच्छा। शादी तो उसने अपनी पसंद की कर ली, अपनी बेगम से भी, सब्बा से भी मनवा लिया, उसने भी राजीनामा कर लिया, अभी ठीक है आप शादी कर दें। वो कहता है कि 1 साल पहले निकाह हुआ था, उसके बाद चलता रहा काम, अभी जाके रुख्सती की कुछ दिन ही हुआ, 10 हफ्ते हो गए होंगे। इन हालात के, इन दिनों में इन हालात फिर बढ़ गए, सिर्फ लड़ाई झगड़ा ये रौला बन रहा है कि वो कहता है, अहमद कहता है कि मेरे घर में रहें, वो लड़की कहती है नहीं मैंने इधर नहीं रहना, मैंने शहर में रहना है, शहर में मकान लेकर दें, आप भी मेरे साथ रहें। अहमद कहता है मैं उधर नहीं रह सकता क्योंकि मेरे बच्चे हैं, अम्मी अबू है, बेगम है, घर है, मैंने इधर इसको संभालना है, तुम इधर रह जाओ। लेकिन वो कहती है नहीं मैंने नहीं रहना। ये बस यही रोला चल रहा है। कल शाम को हम तो देखते हैं ना वीडियो, वीडियो में यही आया था कि उसने तलाक मांगी, मुझे तलाक दी, ये 7 तक बढ़ गया काम। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अहमद की तबीयत ख़राब थी, वो सो रहा था बिस्तर में और अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। टेंशन तो होती है ना, वो अम्मी है, उनकी माँ को तो टेंशन हो जाती है, वही रोला चल रहा है, वही बातें हो रही है। पहले ये देखने को आया था कि वो, ये पता नहीं था कि 1 साल पहले निकाह हुआ उसका, ये हमें पता नहीं था। बाकी अभी 1 महीना पहले हम भी उधर थे ना, वो बोल रहा था कि मैं शादी शादी शादी
शादी करके ले आया सबके आंखों के सामने, आपने भी देखा। हाँ, उसने वीडियो में बाद में बताया ना कि ये शादी तो मेरी पहले हो चुकी थी। अच्छा, पहले हो चुका था, अब रुख्सती करनी है। रुख्सती भी करके आए थे, रुख्सती भी हो गई, फिर वो ले आया यहाँ पे, खुशी खुशी रह रहे थे। फिर उसके बाद पता चला कि वो कहते हैं मैंने इधर नहीं रहना, वो शहर भी छोड़ के आया उसको। मेरे ख्याल में एक दो दिन उसको लेके भी गया। वो तो अपने अम्मी के घर गई ना, फिर वो कहते मुझे अपना मकान लेकर दें। अच्छा, उधर रहे हैं। मसला जो है ना उनके भी बढ़ते जा रहे हैं, अब मुश्किल है। वो कह रहा था कि वो तलाक मांग रही है तो मैं नहीं रखता इसको। आज भी बोल रहा था कि दूसरी शादी नहीं है, ये बर्बादी है, मैं तो अजाब में पड़ गया, ये बोल रहा था। हम भी यही कह रहे थे कि वो टेंशन अपनी खत्म करो, जो कह रही है जैसे उसकी माँ ने जान चुराया। अब इतनी जल्दी शादी, फिर वो बिल्कुल 8-10 दिन बाद फिर तलाक, ये तो क्या कहेगा जमाना। यार हमने ऐसे भी देखे हैं हालात, पहली रात ही दुल्हन को तलाक हो जाती है, कोई होते हैं मसाले से। अच्छा, नाने जाने इस बारे में क्या कहते हैं, उसको जाने दें। हाँ, मैं तो बता दिया, मैं कि तलाक मांग के तलाक दे दो, खत्म करो रोला, कहते हैं खत्म करो, ऐसे ना सारे दिन केस रोला रहेगा। हो गया तो मायने को दफनाऊंगी, पहला रिश्ता दे दिया, शादी हो गई, बड़ा होने मायने रहा दे, मायने रहा दे, पहले दाल पात करिए, पहले भी हो गया करे। मैं तो कह रहा था कि आप शायद घर जाएंगे ना, हफ्ते वाले दिन मामू ने आना है आपको लेने, तो शायद वो आपके साथ प्यार इखलाक में रहे, आपको पसंद आ जाए, मैं तो ये सोच रहा था। शायद आपके माने वो शायद वो रखे गए नहीं, मुझे जैसा हालत लग रही है ना जी, मामू ने रखने नहीं है वो इस घर में, मानती भी नहीं है, कैसे बात पर राजी नहीं तो वो कैसे हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। हाँ, वही उसकी उनकी पहले बीवी जो ना वो ठीक है, सब संभाल रही है घर को भी, बच्चों को भी। हाँ जी, सही है। ये देखें इन तीनों के काम चेक करें। जकिया बोलती है पहले मुझे धोने दो, इस्तियाना भी पहुंच के कहती है पहले मुझे पानी लेने दो, और रिजवाना जो है ना ऊपर से टपक पड़ी कहती है दोनों साइड पे हो जाओ, मैं हुक्मरान हूँ, आज ना मेरी हुक्मरानी चलेगी यहाँ पे, मैं जैसे ऑर्डर करूँगी वैसे करना। देखो सबसे पहले भर के ले आई, बड़ी बात है, जिसको लड़ रही थी दोनों चीजें ले आई, उनको थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया, ये पानी भी भर लिया, चम्मच भी धो लिया, रोटी पकाने जा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ नवाब हो आप, नवाब। हाँ मैं नवाब हूँ, एक ना पुस्सा में टाइम आवे। हाँ हेलो जकिया, क्या हाल है, कितना बदवाई कल मेरे तो सामने खड़े हो, मैं ऐसे कॉल कर रहा था, अब इसलिए निकालने टाइम से, वो के अंदर के बाहर, अंदर बाहर वाला सिस्टम खत्म, बाहर आज तो गर्मी लग रही है मुझे, देखो गर्मी लग रही है, सब कुछ सब्जी लग रही है। वैसे अभी वो वाले मौसम नहीं आए जो अंदर सोते हैं, अभी थोड़ी काम है सर्दी है, बाहर सोए तो कोई इशू नहीं होता। ओ इसको उठाओ, एक मिनट उठाओ, ये गिरा देती है, वो कहती है गमी दिखा के आओ, गमी दिखा के आओ, फिर इसको ना आया ये जो खड़ी हुई है, हाँ जो भी है वो जाओ दिखा के आओ, वो देखो कहते हैं मैंने देखनी है, गमी दिखा के आओ, फिर बिस्तर निकालना। चलो जी सकिया भी चले गई है साकिब को लेकर। मैं जी आ चुका हूँ यहाँ पर किचन में, क्योंकि ये हमारा सब्जियों वाला भी है, गर्मियों वाला ये की किचन है, गर्मियों वाला वैसे एक अलग होना चाहिए, वो जो कच्चे मिट्टी का बनता है ना वो वाला प्यारा सा, लेकिन ये नहीं बनाते, ये कहते हैं हमने पक्के सिलों में रोटी पकानी है। वो अगर साइड पर ना कच्चा किचन बना देते ना मिट्टी वाला है, बड़ा प्यारा लगता नहीं।
यही भी काम यही वाला बनाएंगे। सर्दियों के लिए ये ठीक है, गर्मियों के लिए भी ये ठीक है। फुर्सत है नहीं, दो चूल्हे बनवाए। अच्छा मिट्टी के कौन से पैसे हैं? नहीं ये देखना, ये गर्मियों के लिए भी बेस्ट है और सर्दियों के लिए भी बेस्ट है। ऐसे ना बोले मेरी अम्मी जान ने मुझे बनवा कर दी। वो तो बनवा के दी है कि मेरी बेटी ना ऐसे धूप में जल्दी रहती है और वो ठंड होती है ऐसे ठंड में बैठती है। तो उस दिन भी बोल रहे थे कि जब मेरी बेटी बैठती है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी को मैंने बनवा कर दिया है। मेहरबानी है, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। बाकी ये मैं आपकी कंडीशन के बारे में बोल रहा था। हमारी कंडीशन यही है अल्हम्दुलिल्लाह, जब गर्मी होती है ना ऊपर मट्टी वाला वो भूमड़े वाला वो ऊपर मतलब कुछ ना हो ऐसे भी। अच्छा खाली, हाँ, वो बोल रहा है। ये खाली मिट्टी वाला जो पहले से बना हुआ था ना। अच्छा, वो पीछे वाले घर वो वाला अलीपुर था, इधर भी था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेस्ट है, अल्लाह पाक मेरी अम्मी को लंबी जिंदगी दे, आमीन। ये हर मुश्किल दूर फरमाए, आमीन। क्योंकि वो शहरी डिजाइन वाला किचन जो है वो हमें पसंद नहीं है। हाँ वो क्या होते हैं छोटे से बच्चे हैं, पानी की टूटे अंदर है सब कुछ, धोने वाला खाने पीने वाला हर चीज है ना उसके अंदर। वो सिलेंडर पे चलता है ना, हम तो लकड़ियाँ जलाते हैं। पैसा लगा वो जब कोठी बनाएंगे ना अपनी कोठी मारी बोला वो वाला किचन बड़े बड़े ख्वाब। चलो मिलता तो कुछ नहीं, ख्वाब देखना तो अलाउड है। ख्वाब तो फ्री देखने होते हैं ना, अरे मैं देखता रहता हूँ ख्वाब, कभी पूरे भी होंगे। काफी ख्वाब मैंने देखे वो पूरे भी हो गए। हाँ जी इंशाल्लाह। और आपके वो आपकी सिस्टर का क्या हाल है आजकल, रब्ता हुआ? अच्छी है, गुड है, तबीयत सही है, घर बार भी अच्छा चल रहा है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। चलो अल्लाह पाक मजीद अच्छे नसीब करे। ये तो चंगा था, ये तो होना ही था इसके साथ। मैं लड़ने आता हूँ, इसके कांटे देखो बड़े बड़े हैं। मैं क्या करूँ, जानवर नहीं हूँ कि ऐसे लगे रहे कांटे मुझे। तो मैंने कब बोला कि इंसान नहीं हो? अभी अभी ताज ने बोला है कि मैं तो यही कहता था। मेरा ललन तो वो कहने ठीक है, अरे एक वक्त मैं नहीं लड़ता। वो देखो वो खड़े 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 हाय हाय, मैं आया तो वो देखो भाग गई। अच्छा अच्छा बाहर चेह दिया, मैंने ऐसे कैमरा खोला तो भाग गई। मैंने कहा वो भाई बहुत भारी होता है तो इसलिए मैंने उठाई, फिर ऐसे उठा के खड़ी रहूँ ना, फिर मुंडे का दाद और मच्छे जो बोलते हैं ना, लेकिन वो मच्छे निकल बंदरे खाले सारे माल को मंडी ला दे क्या? नहीं वो कपाह में चरने गए, मंडी क्यों ला दे? अच्छा वो भी खाले है, ये एक गांव खड़ी है, इसको क्या है? एक भी एक दिन मनी खोल के ले गया था लेकिन ये चरती नहीं है। ये जो डेयरी फार्म है ना ये सर खुरली पे ही ना खाना पीना होता है, चलती नहीं है। अच्छा ये नस्ल वजह है? ये नस्ल, इन नस्ल जब जहाँ भी होगी ना ऐसे बांधी हुई होगी, चलती नहीं है। अगर हेला करें आधी हो जाती है, मगर इतना तपस्या कौन करते, जलील करती है, भाग दौड़ करती है ज़्यादा। अच्छा आखिरकार वो अपनी नस्ल वो क्या कहते हैं, मतलब ये अपने अपने नस्ल पे जो कहा मैंने इसके नस्ल वो। हाँ सही गल ने ना, ये जो चंगे गाय की नस्ल है ना इसको नहीं बजाना, ये बात होती है चंगी नस्ल की गाय अल्लाह सही को बढ़ाए तो ये दूध भी ज़्यादा देती है और गरीब भी होती है, ना कभी टांगे मारती ना कुछ, ये वही नस्ल है खानदानी है, मतलब और पुराने रीति रिवाज पे चलती आ रही है। पुराने
रीत रिवाज के। अच्छा, ये बाहर मतलब नहीं जाना है? हाँ, ये समझो जैसे मंझी होते हैं ना, मंझी का दूध और इन गाय का दूध बराबर होता है माशाल्लाह। अच्छा, एक खुरली पे खाल टुकड़े वंडा घास जितना सारा दिन खिलाए ना, ये दूध दूध माशाल्लाह ये 20-20 किलो दूध देती है। हाँ बेबी, आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं कि मवेशी छोटा ये 20-20 किलो दे। इंशाल्लाह देगी, जब अब नमी होगी ना तो जब न्यू बच्चा देगी फिर देखेंगे जिंदगी जी देता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, वो वाला जो जानवर खड़ा है ना, वो बंदर के ऊपर, वो कितना दूध देता है? वो भी अपने, उनका भी बच्चा है, उनको पिलाती है, उनका दूध क्या करोगे आप, पियोगे? नहीं नहीं, वो देखते कितना है, बच्चा पी जाता है, बच्चा पी जाता है, फिर भी वो किलो सवा किलो होगा उनका भी दूध, उनका बच्चा पीता है ना, खोती जो है छोटे वाली, माशाल्लाह दूध पिया तो बड़ी हो गई। हाँ, वो तो सिंगल में वो पीता ही बच्चा है बस। हाँ, उसका और तो कोई पीता है, लेकिन हम अहम जानवर हो है जो हमारी ज़रूरत जो है ना पूरी करते हैं। जहाँ भी घास काटना हो ना, कपास में कभी वो मोल वाला, जब जितना ही लेना वजन उठा के ले, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, हाँ जी, कभी दर बदर, कभी पता नहीं क्या, दर पदर हर जगह से ले आती है घास। हाँ जी, हर जगह पे। चलो, ये खोते तो बोला अच्छी है, अच्छी है माशाल्लाह, फिर और भी न्यू बच्चा देगी वाला दूसरी बार। हाँ, अभी उसको लगाना है ना, थोड़ी बड़ी हो जाए, वो बड़ी हो जाए फिर ये जब ये थक जाएगी ना तो फिर वो ऊपर लगेंगे, वो भी वजन उठाएगी, फिर न्यू बच्चा खोता देगी तो फिर मजा आएगा। हालात देखे अपने हस्बैंड के? हाँ ना, देखा है हमारे अब्बू जान के, देखा है, क्या करे। मैंने पहले बहुत गुस्सा किया, फिर जैसे उन्होंने उन हकीकत बताई, वजह बताई जो ये वजह है, और कोई राशन कोई सौदे वगैरह कोई दुकान वाला नहीं दे रहा, तो फिर मैं चुप करके दाने गंदम तुलवा के दे दी, क्या करे। चलो अच्छा किया, काल और भी बोरा टंगवा देना, अल्लाह मेहरबानी करो। वो कह रहा है मैं कि काम ढूंढूंगा और काम पे जाऊंगा, अगर कोई काम हो लग जाता है उनका हो सकता है तो फिर गुजारा चलेगा, नहीं तो फिर रुखी रोटी तो नहीं खानी ना। हाँ, ये भी सही है उनकी सोच, क्योंकि हम जो है ना, हम तो काम कर ही नहीं सकते, क्या करें, नहीं होता, चैनल चल नहीं रहे, कोई इनकम आ नहीं रही, फिर क्या करें। जानवर हैं तो अभी देखें दूसरे के हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं, पहले देखें वो पाल पाल के बछड़े दे दिया और गई, थोड़ा सा दूध बेचते हैं तो उन्हें तो टुकड़े, अभी तक वो नहीं कर्जा उतरा, 5,000 का एक बोरा होता है टुकड़े का, हम 6 बोरे लिए हैं, वो अभी तक वो पैसे नहीं लगते, तो बस हर पास हालात मुश्किल तंग हो गए। चलो, कल खोते रेडी मंगवाएंगे या रिक्शा, ये दोनों बड़ा ले जाना, मैं लड़वा देता हूँ, एक ही साथ दे दो उनको, फिर खाएंगे मिट्टी। ऐसे एक एक मान बेचेंगे, एक एक खाएंगे, जब खत्म हो जाएंगे तो, लेकिन सारे एक साथ बेचेंगे तो फिर एक साथ बड़ोले बेचो, सुकून से बैठ के खाओ, गुस्से वाली बात है ना। नहीं नहीं, गुस्से नहीं, ये गुस्सा है ना, होएंगे ना खाएंगे। मैंने कहा उनकी सोच ठीक है, जैसे उन्होंने किया ना बोने। हाँ ठीक है, अभी चलो यही बोना, जो 4-5 हज़ार का मन है अभी ये जमा कराएंगे, फिर चलो हफ्ता 10-15 दिन और राशन मिलेगा ना सुकून से, फिर इंशाल्लाह कोई काम ढूंढते हैं, अगर काम लग जाता हो तो फिर गुजारा हो जाएगा। हाल ही में मसला बन रहा था इसलिए।